पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की मैनाठेर थाना क्षेत्र में बीते कुछ दिनों पहले गला दबाकर एक महिला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त बैंगनार गाड़ी भी बरामद की है। 21 मार्च की रात को गला दबाकर एक महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें पुलिस ने आज आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। 21 की रात में थाना मैनाठेर के एक गांव में एक विवाहिता जिसकी शादी तकरीबन 9 साल पहले हुई थी, उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। मृत्यु होने के कारण पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और उसके उपरांत परिजनों के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा करने के उपरांत उस घटना में सही अनावरण करना आवश्यक था, जिसके लिए SPRA के नेतृत्व में CO भिलारी, SHO मैनाठेर और उनकी पूरी टीम, सर्विलांस टीम SOG को भी लगाया गया था। आज हमारी टीम को इस हत्या की घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है और इस घटना में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के द्वारा जो फोर व्हीलर गाड़ी परिवहन के लिए उपयोग किया गया था, उसको भी इनके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। घटना मृतका के पति, सास, ससुर और पति के जिस महिला से संबंध बने थे, उन सभी लोगों ने मिलकर उनके साथियों के साथ कुल 7 लोगों ने इस घटना को कारित किया है। अभियुक्तों ने इस घटना को इकबाल करते हुए बताया कि मृतका का पति, जो कि पुलिस में कांस्टेबल है, GRP में तैनात है, उसके पिछले 2.5 साल से अवैध संबंध बने थे एक महिला जो कि अभियुक्ता है, हापुड़ की रहने वाली, और धीरे धीरे परिवार ने भी उसको अपने बहू के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया था और इसी कारण से इन सभी लोगों ने मृतका को अपने परिवार से या अपने बीच से हटाने के लिए अभियुक्ता जो अलका है, उसके भतीजे, भांजे और उसके एक साथी बुलंदशहर के इन अपराधियों को 55,000 रुपये की सुपारी दी थी। इस घटना की प्लानिंग के लिए सभी अभियुक्त 3 दिन पहले दिल्ली रोड पर एक होटल में मिले और उसके बाद 20/21 तारीख की रात को घर पर आकर, जहां मृतका के सास ससुर मौजूद थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला, अभियुक्त लोग अंदर घुसकर और मृतका का गला दबाकर हत्या कर दी। ये बहुत ही चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण घटना थी। सफलतापूर्वक अनावरण करने के लिए पूरी टीम को हमारी तरफ से इनाम और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। सर, वो भतीजे और भांजे थे, उनका कोई अपराध इतिहास है? हमारी टीम जो 3 अन्य अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। उनके आपराधिक इतिहास और ठिकाने के बारे में पूरी छानबीन की जा रही है। शीघ्र उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। देखिए, एक्यूज्ड जो मृतका का पति विमल, GRP में कांस्टेबल है और बरेली में तैनाती रही है। जो दूसरी एक्यूज्ड अलका है, वो सरकारी नर्स है जो हापुड़ की रहने वाली है। और इस घटना को इन सभी अभियुक्तों ने बहुत ही होशियारी से, बहुत ही प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया था, परंतु हमारी टीम ने इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण कर लिया। सर, विमल और अलका की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी? अभियुक्त विमल और अभियुक्ता, ये दोनों फेसबुक के माध्यम से जुड़े थे तकरीबन 2.5 साल पहले और उसके बाद इन दोनों में संबंध बने और फिर परिवार भी इसको एक्सेप्ट करने लग गया था। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।